काले चना चिकन करी बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक कप काले चना को 4 आवर्स पहले भिगो के रखा था। 200 ग्राम बोनलेस चिकन छोटा पीसेस में कट के रखा। 1 चम्मच हरी धनिया बारीक चॉप करके रखा। 2 चम्मच ऑयल यूज करूंगी। 1 बड़ा ऑनियन 1 बड़ा टोमेटो बारीक चॉप करके रखा। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट फोड़ने के लिए 1/2 चम्मच जीरा 2 रेड चिली 2 दालचीनी 2 इलायची टेस्ट का अकॉर्डिंग नमक 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर 1 चम्मच धनिया पाउडर 1 चम्मच जीरा पाउडर और साथ में छोले मसाला 1 चम्मच यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है, चाहिए तो दीजिए नहीं तो स्किप कीजिए, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कुकर में बनाऊँगी, इसके लिए कुकर में 2 चम्मच ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, फोड़ने के लिए जीरा रेड चिली दालचीनी और इलायची लिया था वो ऐड कर दिया। फोड़नी अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद जो ऑनियन लिया वो ऐड कर देती हूँ। साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देती हूँ। फ्राई कर लेती हूँ। ऑनियन का कलर चेंज हो गया। अब जो टमाटो लिया वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ टमाटो सॉफ्ट होने तक। सॉफ्ट हो गया, सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब जो ड्राई मसाला लिया था वो सारे ड्राई मसाले एक साथ ऐड कर दिया और साथ में जो चिकन दिया बोनलेस चिकन थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड करके मैरिनेट करके रखा था तो वो भी ऐड कर देती हूँ। मसाला के साथ चिकन भी फ्राई हो जाएगा। और चिकन का कलर चेंज होने तक मसाला के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। मसाले के साथ चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया। साइड से ऑयल रिलीज हो रहा है। इस टाइम जो चने लिया था भिगे हुए काले चना वो ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट सारे मसाले के साथ मिक्स करके फ्राई कर लेती हूँ। इसमें बॉयल वाटर ऐड करूँगी। ग्रेवी में बॉयल वाटर ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और सारे मसाले के साथ मिक्स करके हो गया। अभी जो बॉयल वाटर वो ऐड कर देती हूँ। जैसे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में जो छोले मसाला लिया था ना वो 1 चम्मच ऐड कर दूँगी। ये आप लोग को पसंद रहेगा तो ऐड कर दीजिए तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और लिड लगा के 2 सीटी के साथ बॉईल कर लूँगी। दो सीटी होने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। कुकर ठंडा हो गया। वाह, देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा काली चना और चिकन की करी बन के रेडी हो गया। जो हरा धनिया लिया था ऊपर से ऐड कर देती हूँ और डिश आउट कर लेती हूँ। काले चना चिकन करी बन के रेडी हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। पूरी पराठा रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। बट जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।